हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ हलवा की रेसिपी। ये हलवा बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और शरीर के लिए भी बहुत ही पौष्टिक होता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम छुहारा और हम लेंगे 100 ग्राम जितना ही बादाम। बादाम को हम पानी में डालकर अच्छे से फुला लेते हैं। छुहारे को भी पानी में डालकर इस तरह से फुला लेंगे। फूलने के बाद छुहारे को हम इस तरह चाकू की मदद से काटकर बीज को हमें अलग करना है। इस तरह सारे छुहारे के बीज को हमें अलग करना है। बीज निकालने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे छुहारे को हमें काटकर बीज को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसके बीज को निकाल सकते हैं। और अब हम इसे मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में छुहारे को डालने के बाद हम इसी में बादाम को भी डाल देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी लिया है, इसीलिए एक ही साथ एक ही जार में आप पीस सकते हैं। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा लिया है तो आप अलग अलग पीस लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा सा किशमिश भी डाला है, यदि आपको पसंद है तो आप डालिए, और अगर आपको किशमिश पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और इन सबको हमें साथ में पीस लेना है। ये देखिए, बादाम और छुहारे किशमिश मैंने अच्छे से पीस लिए हैं। यदि आपको पीसते वक्त आपको लगे कि टाइट है तो थोड़ा सा आप इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें। अगर हम इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर हमें हलवा बनाने में दिक्कत आएगी। अब चलिए, पहले हम पैन गरम करते हैं और पैन में हम ढेर सारा घी डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है। घी को हमें अच्छे से गरम करना है। घी अगर ठंडा हो तो आप उसमें बादाम की छुहारे को न डालें। आप देख लीजिए कि घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना हमारा हलवा का बैटर चिपक कर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, घी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल सकते हैं बैटर को। ये देखिए, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे पकाना है। और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, चढ़ाकर हमें छोड़ना नहीं है, वरना बैटर बीच में चिपक जाएगा। फ्रेंड्स, हलवा बनने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है, इसलिए आप इसे आराम से बनाइए। मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है और इसमें शक्कर हमें अभी नहीं मिलाना है। आप शक्कर डालें या शुगर फ्री डालिए, जो भी आप डालना है वो आप इसमें बाद में डालिए। अभी पहले हमें इसे अच्छे से पकाना है। ये हलवा बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बच्चे बादाम छुहारा वैसे नहीं खाते हैं, लेकिन आप हलवा बना कर देंगे तो ज़रूर खाएंगे। फ्रेंड्स, 25 मिनट लगभग हो चुके हैं, हलवा भी लगभग तैयार ही है, तो अब हम इसमें चीनी डाल सकते हैं। आप चाहे तो शुगर फ्री डाल सकते हैं,
मैं यहाँ शुगर यूज़ कर रही हूँ। शुगर आप अपने स्वादानुसार लीजिए। यदि आप शुगर कम पसंद करते हैं तो कम डालिए, यदि आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए। आप अपने पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अभी हमें 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, जिससे कि हलवा अच्छे से तैयार हो जाए। और बहुत ही टेस्टी हलवा ये तैयार होता है। आप चाहे तो इस हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, आप माता रानी को भी प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। यह हलवा टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक भी है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये देखिए लगभग तैयार हो चुका है। अब हलवा बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। टेस्टी हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको ये हलवा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।